दोस्तों, मैंने जो ऑनलाइन सकलेंड मंगवाए थे तो उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कौन कौन से सकलेंड मैंने मंगवाए हैं। तो देखिए, ये अभी तो मैं नाम भी भूल गई, तो मैं जब वीडियो में सबके ऊपर में इसका नेम लिखते जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। मंगवाए हुए मुझे लगता है 2 वीक हो गए, तो 2 वीक में मैंने इन सभी को बस जैसे तैसे मिट्टी में डालकर छोड़ दिया था, ताकि ये मतलब केवल सर्वाइव कर सके। तो उसमें मेरे पास गमला भी नहीं था और न ही मेरे पास मिट्टी बनी हुई थी। तो आज जब मुझे मौका मिला तो मैं सारे पॉट लेकर के आई और सभी की मैंने मिट्टी अभी बनाई। मिट्टी कैसे बनाई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद देखिए, मैंने सभी को एक एक करके रिपोर्ट कर दिया। देखिए ये कितने सुंदर हैं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर सकलेंट मैंने मंगवाया और काफ़ी रिजनेबल रेट में मंगवाया है। तो ये देखिए, इन सबको मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन कौन से अभी लगाए हैं और कुछ अभी लगाना बाकी है। तो जैसे भी मेरे पास टूटे फूटे से प्लांटर पड़े हुए थे, इन्हीं सब में मैं एक एक में दो दो तीन तीन चार चार करके लगा करके मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब आज मैंने सभी की अच्छी सी रिपोर्टिंग की है। तो ये देखिए, ये तो गोलम है, मुझे याद है। और ये देखिए, ये एचवेरिया, शायद एचवेरिया की एक वेराइटी है, वेरीगेटेड एचवेरिया। तो सबके नाम मैं वीडियो में ऊपर में आप लोग देखते रहेंगे, मैं वीडियो में लिखते जा रही हूँ कोई कौन कौन से हैं, एक एक करके सभी के मैं लिख दे रही हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, है ना, वेरीगेटेड, पता नहीं सनरोज है कि क्या है। तो मैं एक बार फिर से देखूंगी जो लिस्ट उन्होंने भेजा था, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो उस लिस्ट में देख करके और फिर मैं इस सबके नाम लिख दे रही हूँ। और ये देखिए, ये कितना सुंदर है, बस 2 वीक से तो ज़्यादा ही मुझे लगता है, 15 से 20 दिन हो गए। तो मैंने जैसे तैसे इन्हें रिपोर्ट कर दिया था, ताकि बस केवल ये बचे रह जाएं। उसके बाद मैंने आज सभी की अच्छे से रिपोर्टिंग की है, सभी के लिए मैं पॉट लेकर के आई थी, पॉट भी रखा हुआ था, लेकिन बस फुर्सत नहीं मिल रही थी कि सभी में अच्छे से मैं होल करूँ और अच्छे से मिट्टी बनाऊँ। तो मिट्टी भी मेरी रखी हुई थी, लेकिन बनी हुई मिट्टी नहीं थी, तो आज मैंने सब बनाया है। तो एक एक करके देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। और काफ़ी, जब ये धीरे धीरे जब पूरे गमले में छा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों। तो ये देख लीजिए, है ना, ये बिल्कुल ऊपर में जो लग रहा है कि एक फ्लावर की तरह है, इस तरह से लग रहा है। उसके बाद ये तो मैंने दिखला ही दिया कि शायद ये एचवेरिया की या फिर किसकी वेराइटी है, ये सब मैं देख ले रही हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर है, धीरे धीरे इसका एक छोटा सा ब्रांच टूट गया था, तो उसमें भी जड़ें निकली हुई थी, तो उसे मैंने यहाँ पर मिट्टी में डाल दिया है इस तरफ। अब इस तरफ धीरे धीरे जो है वो अच्छे से ये भी लग जाएगा, ये वाला मैंने डाल दिया यहाँ पर, तो ये भी लग जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को दिखलाया कि ये भी कौन सी वेराइटी है, शायद किसी की मैं दे दूँगी। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने एक मंगवाया था, ये भी पता नहीं कौन सा है, तो मुझे नहीं याद है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा गमला में, मेनली मुझे लगता है कि ये भी है हैंगिंग बास्केट के लिए है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में। उसके बाद ये एचवेरिया की एक ये वेराइटी देखिए कितना सुंदर है। वैसे तो एचवेरिया की एक बड़ी वाली वेराइटी मेरे पास है, उसके पत्ते थोड़े से थिक होते हैं, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से पतले हैं और छोटे छोटे हैं। तो जब ये छोटे छोटे हैं, तो जब ये बुशी हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसके भी मैंने 3 अलग अलग ब्रांच कर लिए, देखिए यहाँ से इनकी रूट निकली हुई है। तो बड़ी वाली जो एचवेरिया की वेराइटी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये भी एक एचवेरिया की एक वेराइटी है। इसमें भी देखिए रूट की इस तरह से हवा में निकलते हैं, इसके रूट मिट्टी नहीं है, फिर भी हवा में इनके रूट जो हैं बढ़ते रहते हैं। ये रूट काफ़ी मतलब पतले कोमल से होते हैं, तो इनके जो पत्ते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं, इनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, तो ये जब बूशी हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो बड़े वाले से ज़्यादा मुझे छोटे वाले अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया। और उसके बाद ये अभी देखिए एक ये लिया है, तो ये तो शायद सीडम है, तो ये भी हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है। इसे मैं अभी इसमें रिपोर्ट करूँगी। तो ये देखिए किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ, तो यहाँ से मैं इसे निकालूंगी, है ना, सभी के निकाल करके थोड़े से ढीला कर लेती हूँ मिट्टी, और मिट्टी ढीला करके इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए, है ना, इसमें भी रूट बने हुए हैं अच्छे से। तो पहले मैं यहाँ पर ऐसे करके होल कर लेती हूँ, ताकि इसको अच्छे से मिट्टी मैंने भर लिया, बहुत अच्छी मिट्टी बनाई है मैंने। और देखिए इस तरह से ये कर लेना, और बाद में मैं साइड साइड में ये सब रख दूँगी। तो ये जो है इस तरह से अब चारों तरफ से दबा दूंगी, तो ये भी अच्छे से लग जाएंगे, है ना, अच्छे से तो लग ही गए थे, जड़ सब में आ गया था,
लेकिन अब मुझे चेंज करना पड़ा सारा गमला, क्योंकि देखिए इस तरह से पॉट जो मेरे पास पड़े हुए थे छोटे छोटे से, ऐसे ही पॉट में मैंने लगा दिया था। तो अब जा करके मैं जब सब पूरी पॉट कर रही हूँ, तो यहाँ मिट्टी में बस रख देने से ही ये निकल आते हैं। तो ये भी मेरे लग गए और इन सब को अलग कर दे रही हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये एक है, इसे भी मैंने मंगवाया था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जब ये बड़ा हो जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो पॉट है मुझे थोड़ा सा गंदा जैसा लग रहा है, तो सभी को मैंने नए नए पॉट दिए हैं, तो इसे मैं पुराने पॉट में क्यों रखूं। तो इसे भी मैं नए पॉट दे रही हूं। तो देखिए इसको भी मैं यहां से निकाल दूंगी, और निकाल करके और फिर उस वाले में एक जो मेरे बचे हुए हैं पॉट, इसमें मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ, ताकि सारे के सारे मेरे नए पॉट में आ जाएँ। क्योंकि एक तो सकलेंट जो है थोड़े महंगे रहते हैं, और ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, क्योंकि यदि लोकल नर्सरी से लो तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। और देखिए इसमें यहाँ से जड़ आ रही है, यहाँ से देखिए, है ना, दिख रहा है ना, यहाँ से जड़ आ रही है। तो नीचे वाला तो लग रहा है कि मुझे ख़राब हो गया है, लेकिन यहाँ से इनकी जड़ें आ रही है। तो इसे मैं अभी अच्छे से रूट को, नीचे वाले को, तने को काट दूंगी, और जहाँ से रूट आ रहा है वहाँ पर मैं इसे लगा दूंगी। तो देखिए दोस्तों इसे भी मैंने यहाँ से अच्छे से लगा दिया है। तो देखिए जहाँ से रूट निकल रही थी उसे मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया, ताकि वो अच्छे से लग सके। तो इस तरह से ये जो है मेरे लग गए। तो सभी प्लांट को मैंने नए नए उनका ठिकाना दे दिया है, क्योंकि जो मैं मिट्टी बनाई थी, जो लगाई थी, वही मेरे मिट्टी अच्छे थे, तभी मेरे सारे प्लांट अभी तक अच्छे रहे। दो वीक हो गए हैं, तो सारे के सारे प्लांट मेरे अच्छे रहे। और देखिए अभी मैंने सभी को दे दिया है, तो नए नए प्लांटर में ये अच्छे लग रहे हैं। अब दो बस एक सप्ताह के बाद इनकी ग्रोथ भी अच्छी से स्टार्ट हो जाएगी। सब अच्छे से मैंने लगा दिया, देखिए, है ना। तो ये देखिए इतने सारे प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है, ये इसमें लगा दिया, और ये है। लाइट थोड़ी कम हो गई, ये सब काम करते करते थोड़ा सा अंधेरा हो गया, क्योंकि बीच में बारिश थोड़ी टिप टिप होने लगी, तो मैं रुक गई कि बारिश ख़त्म होने के बाद ही मैं आऊँगी। तो ये देखिए ये सब लग गया है, है ना। यहाँ देखिए ये भी अच्छे से लग गया है। तो ये तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सुंदर, और ये भी कितना सुंदर प्लांट है। तो सारे प्लांट मैंने लगा दिए हैं। देखिए इसका एक पत्ती टूट गया है, तो मैं इसे यहीं रख देती हूँ, क्योंकि ये भी शायद पत्ती से ही ग्रो हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सकुलेंट होते हैं सब पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो मिट्टी बनाई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखला देती हूँ। इसमें मैंने 50% लिया है गार्डन सॉयल, उसमें 20 से 25% मैंने इसमें डाले हैं जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं, वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें कोकोपीट। हालांकि कोकोपीट डालने की जरूरत नहीं होती है सकुलेंट के लिए, तो वहां पर आप डाल सकते हैं रेत यानी कि बालू, क्योंकि बालू जो है वो काफी ड्राई होता है, और जो भी हमारे कोकोपीट होते हैं वो मॉइस्चर को बहुत होल्ड करते हैं, जबकि हमारे सकुलेंट के लिए मॉइस्चर नहीं चाहिए। इसीलिए आप इसमें कोकोपीट मत डालिएगा, आप इसमें रेत डालिएगा। और साथ ही साथ मैंने फंगिसाइड डाला है, थोड़ा सा नीम की खली डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, एक चम्मच मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट मिला करके इसे बिल्कुल महीन कर लिया है। क्योंकि जब भी हम कोई सकलेंट लगाते हैं तो उसके लिए जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल पाउडर की तरह होनी चाहिए, उसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मुलायम मिट्टी होनी चाहिए, तभी हमारे जो सकलेंट है उनकी जड़ें बहुत अच्छे से डेवलप होती है। यदि आप ऐसी मिट्टी बनाएंगे जो थोड़ी सी भी हार्ड हो या उसमें गांठे हों, तो आपके जो सकलेंट है उनकी जड़ें अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। तो शुरुआत में तो मैंने जो घर में पड़े हुए थे छोटे छोटे प्लांटर, उसी में मैंने लगा दिया था। तो उसके लिए मैंने जो मिट्टी बनाई थी वही मिट्टी मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मैंने और उसमें डाल दिया है जो मेरे होते हैं वर्मी कंपोस्ट, और थोड़ा सा रेत मैंने इसमें मिलाया है, ताकि हमारी मिट्टी बहुत ही हल्की। देखिए दोस्तों, इन सब को मैंने अच्छी तरह से लगा करके, और हल्का हल्का मैंने पानी दिया है, पानी मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा भी मैंने पानी डाला है। हालांकि कहते हैं कि जब सकुलेंट लगाते हैं तो एक सप्ताह तक उसमें कोई भी पानी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल उसे ड्राई ही रखना चाहिए। एक सप्ताह 10 दिन के बाद उसको उनकी मिट्टी हटाकर देखनी चाहिए कि क्या उसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। यदि रूटिंग स्टार्ट हो गई है तब जाकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करना चाहिए, अदरवाइज अब उसमें पानी नहीं डालना है। तो मैंने भी ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा सा मैंने उसको स्प्रे कर दिया है, और बस स्प्रे करके अभी मैंने रख दिया है इस एक शेड में। शेड है मतलब ब्राइट लाइट आती है, यहाँ पर पूरी खुला हुआ है, जो कमरा है ना पूरा खुला हुआ है सामने से, और बस केवल ऊपर से शेड है। तो इस जगह पर इन्हें बहुत अच्छे से लाइट भी मिलेगी, बहुत अच्छे से हवा भी मिलेगी। तो इस तरह से ये एक सप्ताह 10 दिन में पूरी अच्छे तरह से सेट हो जाएंगे, और तब तक बारिश भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इन्हें ऐसी जगह रखूंगी जहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी सी ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो ये मेरे प्लांट सारे सेट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब बताइएगा आपको कौन सा सकुलेंट मेरा अच्छा लगा,
और कुछ और भी इसके बारे में आपको जानना है, लिंक के बारे में आप जानना चाहेंगे कहाँ से मैंने मंगवाया है, क्योंकि ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है। मैं पहले भी इसे मंगवा चुकी हूँ, ये दूसरी बार मैंने ये 10 प्लांट मंगवाए हैं, इसके पहले भी 7-8 मंगवाए थे, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला है। तो यदि आप लोगों को जानना हो तो लिंक के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं लिंक दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे प्लांट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।